सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठे, और मैं पहले ही दोहरा चुका हूँ, ध्यान में बैठने का एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है, उस सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे। साधना का एक सूत्र है स्थूलात सूक्ष्मः, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, एक क्रम है ये। तो पहले हम स्थूल जो हम पकड़ सकते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, अनुभव करते हैं, जिसका ज़्यादा व्यवहार करते हैं, हम शुरुआत वहीं से करते हैं। वो क्या है? हमारा शरीर। शरीर को देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, इसके क्रियाकलाप से अवगत हैं हम, इसे कमांड देकर इधर उधर करते हैं, बदलते हैं, और कई बार निश्चय कर लेते हैं तो स्थिरता भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बैठे रहने के, तो बैठे रहेंगे एक घंटा तक, बैठे रहेंगे डेढ़ घंटा तक, दो घंटे तक, लेटे रहेंगे लेटे रहेंगे, खड़े रहेंगे खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। हाँ, बहुत देर तक ऐसा नहीं किया जा सकता है, जब शरीर में थकावट होती है तो हम फिर से रिलैक्स होना चाहते हैं। तो कुछ तो करते हैं, कुछ तो हम इसे अपने अनुसार चला लेते हैं। तो जो कर सकते हैं उससे हम प्रारंभ करें। शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? जहाँ खड़े हैं वहीं से तो करेंगे, और जो आपके पास संसाधन है उसी से तो शुरुआत करेंगे, फिर आगे और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला है स्थूल, हम सबका अपना शरीर। तो शरीर को साधना शुरू करें पहले, जो प्रत्यक्ष है, अनुभूत है, स्थूल है यह, तो शरीर को साधें। इसके लिए मैंने कहा स्थिर आसन से बैठें, इधर उधर न देखो, शांत बैठो, स्थिर होकर के बैठें, सीधे बैठें और तनाव रहित होकर बैठें। बहुत तन के न बैठो, जल्दी थक जाओगे। तनाव चाहिए ही नहीं हमारे जीवन में, न शरीर में तनाव हो न मन में तनाव हो, बड़ा रिलैक्स हो आप। और गर्दन को बाएं दाएं आगे पीछे मत करिए, सीधे बिल्कुल, कभी भी बैठें सीधे बैठें। सभी की आंखें बंद हों, ये सब स्थूल है, ये सब कर सकते हैं। यदि मेरी बात समझ में आ रही है तो यह प्रयोग करें, कोई इधर उधर न देखें, और बीच बीच में भी आंख खोलकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। घड़ी न देखो, वो मैं देख लूँगा, बाजू वाले को न देखो, कुछ नहीं, बस शांत, आँखों की पलकें बिल्कुल धीरे से आप गिर जाने दें, ढकने दें, पलकें भी तनाव रहित हों, पलकों में भी कोई दबाव न हो, कोई शिकन न हो, माथे पर भी किसी प्रकार शिकन न हो, बल न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। प्रसन्न मुद्रा हो, हसमुख चेहरा, ऐसा ना हो कि आप किसी के लिए नाराज बैठे हों, ऐसा लगे कि जैसे कोई आपका मित्र आए तब कहे, अरे वाह ये तो मुस्कुरा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, तो आप बिल्कुल प्रसन्न होकर के बैठे, एकदम खिला खिला, शरीर हल्का, मन हल्का, चेहरा प्रसन्न, बिल्कुल बढ़िया, अपेक्षा रहित, कुछ पाने की चेष्टा न हो, आकांक्षा न हो, आपको पाना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत। ये सब स्थूल। इसके पश्चात हम श्वास, ये शरीर से जरा सूक्ष्म है लेकिन फिर भी इसका अनुभव करते हैं। हम श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सांस आ रही है जा रही है, जो है सो है,
अपनी ओर से हमें कोई चेष्टा नहीं करनी है। सांस आ रही है, जा रही है, कभी कभी आप गहरी लंबी सांस लें, ये बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी। सीना जरा फूल जाए, जितना ऑक्सीजन आप भर सकें भीतर गहराई से, और धीरे धीरे छोड़ें। अनुभव हो हर श्वास पर मन लगा हो, कोई श्वास आपके बिना जानकारी के न हो। सब श्वास को जान रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है। कुछ विचार जब करने लग जाएंगे तो श्वासों का देखना बंद हो जाएगा, फिर श्वास पर ध्यान नहीं रहेगा। सांस तो चलती रहेगी लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाएंगे कि सांस आ रही है, जा रही है। पूरी सावधानी और तत्परता और सजगता, समर्पण भाव हो तब ये काम होगा। ये बड़ी स्थूल साधना है लेकिन यह भी हम नहीं कर पाएंगे यदि प्रमाद में समय खोया तो। इसलिए सांस देखें, सांस आ रही है, जा रही है। और इससे भी सूक्ष्म है विचारों की स्थिति। विचार बहुत सूक्ष्म है लेकिन यह हम विचारों को देखने का काम बाद में करेंगे, साक्षी की साधना बाद में करेंगे, अंतिम दिनों में करेंगे। आज श्वास देखें, सांस आ रही है, जा रही है। बीच में कोई उठकर नहीं जाएगा, थोड़ी देर के बाद 5 मिनट की छुट्टी होगी तब आप यहाँ से उठेंगे। इसलिए शांत बैठें, बीच बीच में आँख खोलकर न देखें। सभी स्थिर आसन से बैठें और सीधे बैठें, आराम से बैठें, सुखपूर्वक बैठें, शरीर में कहीं तनाव न हो। अकड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ढीले ढाले भी न बैठें। बीच की स्थिति, न कमर झुका के बैठें न गर्दन झुका के, रीढ़ गर्दन और सिर एक सीधाई में हो और सीधे हो। हाथ भी स्थिर हों, दोनों हाथों को आप ऐसी स्थिति में रखें कि बार बार उठाने की ज़रूरत न हो। चाहे घुटनों पर रखें, चाहे गोद में रखें, या जैसे भी आप मुट्ठी बांध के भी रखें, रखें। और आँखों को कोमलता से बंद कर लें, आहिस्ते से पलकें बंद कर लें। चेहरे में भी कोई शिकन न हो, कोई तनाव न हो, पलकों में कोई दबाव न हो, बिल्कुल जैसे मानो ऊपर से ढक्कन रखा गया है। धीरे से आप जितना ही उसको ढीला छोड़ते हैं उतना ही आप अच्छा महसूस करते हैं। और प्रयास करके चेहरे को शिकन रहित बना लें, तनाव रहित बना लें। जब आप हम सोचते हैं और जब ऐसे विचार आते हैं जिससे आप चिंतित हों, अवसाद में हों, तो प्रायः दोनों भावों के बीच एक शिकन आ जाती है, चेहरा सिकुड़ सा जाता है, जैसे आप अवसाद में हों, बहुत चिंतित हों, परेशान हों। ये सब न करें, बड़े सहज ढंग से बैठें और
कोई अपेक्षा लेके नहीं बैठे, कुछ भी अपेक्षा लेके ना बैठे, किसी के दर्शन की इच्छा ना करें, किसी से मिलने की इच्छा ना करें, कुछ पाने की चेष्टा ना हो। कुछ नहीं पाना है आपको, आप स्वयं पूर्ण हैं, आपको पाना क्या है? न मोक्ष पाना है, न शांति पाना है, न सुख पाना है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की आकांक्षा न रखें, कोई इच्छा न रखें, सहज सरल शांत बैठें। सांस आ रही है, जा रही है, शरीर को स्थिर और शांत रखना बहुत स्थूल साधना है। मैंने कल कहा था स्थूलात सूक्ष्म साधना का एक क्रम है, स्थूलात सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शरीर स्थूल है, सांस उससे सूक्ष्म है, और विचार और सूक्ष्म है, और उससे भी जब पार जाएंगे तो निर्विचार की स्थिति आएगी, साक्षी की साधना करेंगे तब। लेकिन अभी तो हम श्वास देखने का काम करें, सांस आ रही है, जा रही है। सांस का और मन का बड़ा गहरा संबंध है, बहुत। दूसरे ढंग से कह सकते हैं, आत्मा और शरीर के बीच में सांस एक पुल की तरह है, भीतर बीच में एक संबंध बनाने वाला है। इसलिए आप जितनी गहरी और लंबी सांस लेंगे उतने ही आप आत्मा और शरीर के फासले को बढ़ाते हैं। पुल इसलिए है कि जब तक श्वास है तब तक इस शरीर में जीव है, आत्मा है। पुल टूट गया तो दोनों तट अलग अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। श्वास है तब है, जो लो श्वास रहे घट भीतर तो लो कुशल परी है गे। कहें कबीर जब श्वास निकरेगा मंदिर अनल जरी है गे। ये सदगुरु ने कहा है, जब तक श्वास है तब तक जीव है, आत्मा है, नहीं तो ये शरीर रूपी मंदिर को लोग जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ये बिल्कुल अनुपयोगी हो जाता है। जीव की उपस्थिति में ही इसका सारा सम्मान और उपयोग है। श्वास जोड़ता है। आप भीतर की यात्रा करना चाहते हैं तो किसके माध्यम से जाएंगे? श्वास आपको भीतर ले जाएगा। इसलिए सांस को देखें, सांस आ रही है, जा रही है। अच्छा है गहरी लंबी सांस लें आरंभ में, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है और मन की एकाग्रता को, मन को साधने के लिए भी बढ़िया है। इसलिए सांस का साक्षी बने, सांस आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, कोई झटके से ना छोड़ें। यहाँ पर कोई अनुलोम विलोम या फिर किसी प्रकार के श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया की बात नहीं है। जो आप स्वाभाविक रूप से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, साहेब की साधना, सदगुरु की साधना सहज है, सब कुछ सहज, कोई आरोपण नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, जो है उसमें स्थित। इसलिए सांस आ रही है, जा रही है, इसमें कोई मेहनत की आवश्यकता आपको नहीं है। बिना प्रयत्न के सांस आती है। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है? असावधानी। असावधान होते हैं और श्वास का देखना रुक जाता है, फिर अन्य विचारों में भटकते रहते हैं, मत सोचो। और यदि सोचने की भूल हो ही गई तो फिर से लौट आए, फिर से लौट आए, ये काम करते रहें। सांस आ रही है, जा रही है, बिल्कुल बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। बस सीधे बैठें, सरलता से बैठें, तनाव रहित बैठें,
शरीर में तनाव न हो, मन में तनाव न हो, प्रसन्न मुद्रा में बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा,